अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नया दिन और एक नए व्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। आज हम देने वाले हैं आपको मंडी की बहुत सारी न्यूज़ बताने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। वैसे ही हमारे सारे बड़े यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि हमारे मानी भाई हैं, उन्होंने सबसे पहले ही ब्रेक न्यूज़ किया था कि नॉर्दर्न बाईपास पर लग रही है मंडी। फिर हमारे मुजम्मिल भाई हैं, और भी हमारे दोस्त हैं जैसे कि मंडी के दीवान हैं हमारे भाई हैं, वो भी हम सब भी इनके ना वो है फॉलोवर्स हैं, हम सभी इन्हीं को पसंद करते हैं। और इनसे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं सोचा हूँ कि अपने चैनल में भी मैंने दिखाऊं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको इसी टाइप की मंडी से रिलेटेड वीडियोस वगैरह चाहिए तो इस चैनल पे अब आनी शुरू हो जाएंगी। जैसा कि आपने पिछले साल हमें सपोर्ट किया था 2022 में, इंशाल्लाह इस साल भी हमें सपोर्ट करें। तो मंडी की पहली लोकेशन तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से हट गई है सोराबगढ़ मंडी से, और वो चले गई है नॉर्दर्न बाईपास पे चाइल्ड सोसाइटी एंड बिल्डर्स के पास, वो चले गई है। वहाँ की जो ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है कि फेज़ वन होगा वीआईपी वालों के लिए, जिसमें बड़े बड़े कैटल्स फार्म होते हैं जैसे कि सूरती वगैरह हो गया, दिलपसंद वगैरह हो गया, उनके लिए होता है। और फेज़ टू पे ये होता है कि जनरल ब्लॉक कहलाएगा वो इलाका, और वहाँ पे आम व्यापारी कोई भी आके ना, जैसे कि हम जाके ख़रीदते हैं ना, वहाँ आम मंडी लगेगी, तो वो फेज़ टू का इलाका है। अब इस पर एक मज़े की बात यह है कि इंतज़ामिया ने बहुत ही अहम फ़ैसला किया है, और बहुत ही पॉजिटिव फैसला किया। और वो फैसला ये है कि पहले देखें सोराबगढ़ मंडी में कोई भी जानवर आप लेने जाते तो कहते थे यार जगह का किराया हमने इतने में लिया है, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख में जगह का किराया लिया। तो इस बार चाइल्ड सोसाइटी एंड बिल्डर्स ने ये काम कर दिया, इंतज़ामिया ने ये काम कर दिया है कि वो पैसे जनरल ब्लॉक के उन्होंने ख़त्म कर दिए। जनरल ब्लॉक में जो भी व्यापारी आएगा वो जगह के पैसे नहीं देगा। ये बहुत बड़ी बात है, और इसका बहुत असर पड़ेगा मंडी पर भी, क्योंकि इन सारे चीज़ के बाद वो कॉस्ट और भी ज़्यादा हो जाता है कि यार हमने जगह का किराया देना है, और भी सारे एक्सपेंसेस हैं, गाड़ी का किराया। तो जगह का किराया तो पहली बात है माफ़ हो चुका है, ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ। और रही बात यह है कि इंतज़ामिया का एक और एक बड़ा फैसला ये है कि हमारे शरोज भाई ने बताया, मंडी का दीवारे ने ये बताया कि कल ही बताया मुझे, कल परसों ही पता चला है कि भाई एक गाय को एक दिन में 16 लीटर दिए जाते थे सोराबगढ़ मंडी में, यहाँ तकरीबन 20 लीटर दी जाएगी सोराबगढ़ मंडी में, यहाँ तकरीबन 20 लीटर दी जाएगी, इससे ज़्यादा भी दे दी जाएगी। और मंडी का मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो नॉर्दर्न बाईपास पे ही लगेगा, और इंशाल्लाह जिस दिन पहला ट्रक आएगा, अभी कोई पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, अभी तक कोई उन्होंने पक्की इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो इसलिए मैं भी आपको भी नहीं बता सकता कि पहली ट्रक किस दिन आएगी, कब आएगी। जैसे ही हमें पता चलेगा इंशाल्लाह हम उस दिन वहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसे कवर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और वैसे आज हमें एक और एक जगह भी जाना है, हमारे एक शौकीन भाई उनसे ही मिलने जाना है। तो गाइज ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ कि मंडी लग रही है नॉर्दर्न बाईपास पे चाइल्ड सोसाइटी एंड बिल्डर्स पे। इंतज़ामिया ने दो बड़ा काम किया है, एक काम ये किया है कि उन्होंने जगह की कीमत को ख़त्म कर दिया है, और दूसरा काम उन्होंने ये किया है कि पानी का जो उन्होंने बताया है कि 16 लीटर एक जानवर को दी जाती थी सोराबगढ़ मंडी में, वो यहाँ पे बढ़ के हो गई है 20 लीटर। तो ये दो बहुत अहम फैसला, और तीसरा अहम ये फैसला कि उन्होंने वो अल्लाह भला करे ट्रैफिक के हवाले से भी उन्होंने बहुत काम करना शुरू कर दिया है, सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि देखिए नॉर्दर्न बाईपास से भी आएंगे, फिर म्यांमार से जो आने वाले वो आएंगे, फिर हब से जो आने वाले वो भी आएंगे, तो इसमें ना रश ना ज़्यादा बढ़ जाए। तो इंतज़ामिया ने बहुत सारा काम करना शुरू कर दिया है, जिसके हमें बेनिफिट भी बहुत जल्दी नज़र आएंगे। और आप हमें ये बताएं कि आप कौन सी मंडी जाना प्रीफेयर करेंगे, क्योंकि देखिए इस बार सोराबगढ़ मंडी से काफ़ी दूर मंडी चले गई है, तो आप मलीर मंडी जाना पसंद करेंगे, या भैंस कॉलोनी, या फिर रौनकी टाउन की कोई मंडी जाना पसंद करेंगे, लालू खेत की मंडी जाना पसंद करेंगे, कौन सी मंडी जाना आप प्रीफेयर करेंगे, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और जहाँ तक पहले ट्रक की बात है, वो अभी तक आई नहीं है पहले ट्रक की जहाँ बात है, जैसी उसकी कोई न्यूज़ आती है, कोई कंफर्म न्यूज़ आती है, वो भी आपको इस चैनल पे हम बताएंगे, बल्कि वहीं जाके हम कवरेज करके आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई है, और अगर इसी टाइप की आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।